गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिका आज आपके सामने केमिस्ट्री के हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। आपका गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन देखो, एस्प्रिन इज केमिकल नोन एज, कि एस्पिरिन को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, एस्पिरिन को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि एस्पिरिन क्या है, हमारे पास एक सरदर्द की टैबलेट है और अभी इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो सब जानते हो कि डिस्प्रिन हम यूज़ करते हैं, तो एस्पिरिन को हम किसके नाम से जानते हैं, केमिकल नेम क्या होगा इसका। पहला ऑप्शन है इसका मिथाइल सैलिसाइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्सी सैलिसाइड, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है एल्काइल सैलिसिलिक एसिड। तो आप सब जानते हो कि इसका जो इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड होता है ये हमारे पास। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास इसका, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ASA। यदि आपसे इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिए जाए तो आप क्या बताओगे, इसका केमिकल फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, केमिकल फॉर्मूला होगा बेंजीन रिंग होगी आपके पास और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा COS, उसके साथ में होगा OC CH3। ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। अगर आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला आ जाता है तब आप ये बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आप सब जानते हैं 99% क्या है हमारे पास, 99% है मनुष्य का जो शरीर है वो एलिमेंट, उसमें एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हदीक कौन सा पाया जाता है इसमें, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, कितना होता है 65%। ये सब आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मिक्सर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई, जो है मिक्सर है वाटर और अल्कोहल का, वो उससे हम किसके द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन से हम अलग नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन को आप सब जानते हो कि फिल्टर से सॉलिड और लिक्विड को हम अलग करते हैं। कोई भी सॉलिड और लिक्विड होता है उसको हम अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड होता है उसका क्या होता है, गैस के फॉर्म, गैस का फॉर्म में चेंज होना, वेपर्स के रूप में चेंज होना, इवोपरेशन ये होता है। अगर हम दो लिक्विड को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इवोपरेशन में। थर्ड ऑप्शन हमारे पास डिक्नेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास, डिक्नेशन भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग लिक्विड होते हैं जो हमें घुलनशील न हो, वो होते हैं डिक्नेशन। फोर्थ ऑप्शन है डिस्टिलेशन। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, जिसमें क्या होता है बॉइलिंग, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे हमें अल्कोहल एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाई, कि एसिड रेन होती है जो उसका जो प्रदूषित वातावरण होता है उसका क्या कारण, किसके कारण, किसके द्वारा वायुमंडल में प्रदूषित होने की वजह से अमल वर्षा होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो जो ताजमहल है वो संगमरमर का बना है, वो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे काला पड़ने लगा, क्यों, उसका रीजन बताया जाता है कि एसिड रेन होती है वहाँ पे जो यमुना नदी है वहाँ क्या होता है, बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ से प्रदूषण ज़्यादा मतलब वो होता है, तो उससे क्या होता है हमारे पास जो वर्षा होती है वो
उसमें ज्यादा पोल्यूशन होता है, इस कारण क्या है, ऐसी ट्रेन के कारण वो संगमरमर है वो काला पड़ने लगा। तो इसका रीजन क्या होगा? अगर इसका जो रीजन होता है क्या है, जो सल्फर ऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो गैसेज है ये होती है उससे बाहर निकलती है इंडस्ट्रियल एरिया से, जो कि वातावरण में मिक्स होके हमारे पास प्रदूषित करती है। तो इसका क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये तो होगा नहीं। किसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो मैंने बताया आपको सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से जो वो वहां से इंडस्ट्रियल एरिया से गैसेज निकलती है। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे इजी है, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये सब आप जानते हो। जो एक होता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, एक होता है हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो क्या होता है हमारे पास पूरी तरह से नष्ट हो जाए वो होता है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो। सबसे इसका मोटा एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप सब जानते हैं कि वो नष्ट नहीं होता, जो हमारे पास पूरी तरह से जिसको नष्ट हो जाए वो होता है बायोडिग्रेडेबल। तो इसका सबसे इसका क्या है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। पहला ऑप्शन हमारे पास पेपर, दूसरा ऑप्शन है डीडीटी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है प्लास्टिक। तो इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, पेपर। पेपर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन डीडीटी एल्यूमिनियम प्लास्टिक ये क्या है हमारे पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते बढ़ते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अब आपको देखना, आपको ठानना है या हार माननी है। क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द, ये टू आएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट, कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो आपको मैं बता देती हूँ, जो ग्रीन हाउस है उसके चार गैसें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। पहले होते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, आप ये याद रखोगे, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ये क्या है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये चार गैसेज होती हैं। तो इसमें देखो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, पहला ऑप्शन हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, मैंने बताया है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होगा, मैंने बताया है कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मीथेन क्या है, इसका राइट आंसर है, मैंने इसका मीथेन आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड, जो नेशनल जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है भारत में कहाँ पे स्थित है केमिकल की, तो वो है हमारे पास, इसका पहला ऑप्शन हमारे पास मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है पुणे। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, इसका आंसर है पुणे, इसका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज हाईली प्लास्टिक, आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सा सबसे लचकदार पदार्थ है, इनमें से कौन सा सबसे लचकदार है। ऑप्शन देखोगे आप, क्वार्टज, मिका, ग्रेनाइट,
कले, चिकनी मिट्टी। तो आप सब जानते हैं चिकनी मिट्टी वो क्या है, सबसे लचकदार होती है इसमें से। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, डी, कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोटर इज ए मिक्सर ऑफ वाटर सैंड। किस किस का मिक्सर होगा मोस्ट, गारा, पानी, बालू और किसका मिश्रण होगा। गारा, गारा का मतलब आप समझते हो, गारा का मतलब होता है जैसे कि जो हम वो करते हैं घर बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, जो उसमें मसाला यूज किया जाता है ना, उसमें क्या क्या मिलाते हैं, जैसे हम उसमें पानी भी मिलाते हैं और ये मिट्टी भी, वाड़ू भी मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, और किसका मिश्रण है वो, तो वो है, वो हमारे पास लाइम होगा। पर वो क्या होगा, पहला ऑप्शन है स्लेक्ट लाइम, दूसरा ऑप्शन है क्यूक लाइम, थर्ड ऑप्शन है लाइमस्टोन, फोर्थ ऑप्शन है जिप्सम। तो लाइम होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके, इन दोनों में से देखना आपका कौन सा होगा। तो आप बताओ, कली चूना हम उसमें यूज नहीं करते, कौन सा यूज करेंगे, कास्टिक चूना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, स्लेक्ट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखो, ये पहला ऑप्शन हमारे पास वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, वाशिंग सोडा आता है Na2CO3। फिर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है हमारे पास, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है हमारे पास, CaOCl2। सोडा एस क्या होता है, ये याद रखोगे आप, इसमें सोडा एस और वाशिंग सोडा दोनों ही एक ही बात है, चाहे सोडा एस बोलो चाहे वाशिंग सोडा बोलो, ये दोनों एक ही बात है। तो इसमें आप बताओगे कौन सा इसका सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा होगा, मैंने आपको बताया है NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, बी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन्स, जो माचिस की तिल्ली, जो माचिस की तिल्ली होती है ना हमारे पास, माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है हमारे पास, उसके नोक पे जो ये यहाँ पे होता है ना, वो कौन सा पाउडर, कौन सा यूज होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है सोडियम क्लोरेट, दूसरा ऑप्शन है व्हाइट फॉस्फेट, व्हाइट फॉस्फोरस, थर्ड ऑप्शन है रेड फॉस्फोरस, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फोर ट्राई क्लोराइड। तो इसमें माचिस की जो तिल्ली होती है उस पर कौन सा होता है, उसमें देखो एक तो होता है हमारे पास सल्फर से, एक होता है उसमें ऑक्साइड एजेंट होता है, एक उसमें होता है ग्लास पाउडर। जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज करेंगे वो किसका होगा हमारे पास, पोटासियम क्लोरेट का। इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही हमारे पास, पोटासियम क्लोरेट। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जो माचिस होती है हमारे पास, जो माचिस होती है उसको हम देख यहाँ से स्ट्राइक करते हैं तभी तो हमें लाइट मिलती है, तो वो स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यूज होता है, अगर यहाँ इसको पूछ लिए फ्रैक्शन करते हैं तब हमें जब वो लाइट जलती है तो कौन सा कंपाउंड यूज होता है, तो उसका इसका क्या होगा हमारे पास, इसका हो जाएगा आपके पास रेड फॉस्फोरस। अगर ये क्वेश्चन आपसे लिए पूछ लिया जाता है तो आप आंसर क्या दोगे, रेड फॉस्फोरस। लेकिन ये माचिस की टिप पे जो यूज किया जाता है उसमें आपका आंसर क्या होगा, पोटासियम क्लोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज, क्या पूछा आपसे कि जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया, जो कठोर जल से जो हार्ड वाटर है उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह हमारे पास हार्ड वाटर है उसमें से हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम निकाल देंगे
तो हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, वाटर सॉफ्टनिंग होगी। वाटर सॉफ्ट होगा तो इसका आंसर क्या होगा, वाटर सॉफ्टनिंग। अगर कैल्शियम और उसको रिमूव कर देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हार्ड वाटर से, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन क्या है, जो तापीय ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है, कौन सा है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, इसमें पहला ऑप्शन है आप H2S, NH3, NO2, SO2। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, SO2। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लेशन, किसके अक्षय की वजह से पैरावैगनी विकिरण पृथ्वी तक पहुंच रही है। देखो, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारे पास क्या करते हैं, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, उससे हमारे कौन प्रोटेक्ट करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें ओजोन लेयर। अभी देखो, ओजोन लेयर है, उसमें आप सुन रहे होगे होल हो गया, ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया। होल का मतलब ये नहीं है कि इसमें ऐसे सीधा छेद हो गया। ओजोन लेयर थी वो क्या थी, हमारे पास मोटी पर थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, पतली होने लगी, जिसके कारण से आज आप देख रहे होंगे कि सर्दी कम होती है। पहले सर्दी ज्यादा होती थी, अब कम होती है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे पतली होती जा रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो सीधी क्या होती है, पृथ्वी पे आ रही है। तो जो इसका पहला ऑप्शन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ओजोन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे पास ओजोन। जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको आने से रोकती है, उसको हमें प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इज, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता किंतु जिसका निर्माण हम क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से करते हैं, वह तत्व कौन सा है। आप ऑप्शन की तरफ देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शन का सबसे मोटा एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम तो क्या होता है, हमारे पास नेचर में मिलता है, लेकिन इसमें पूछा, हमें आर्टिफिशियली पूछा है, तो आर्टिफिशियली का हमारे पास इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला है थोरियम, दूसरा है रेडियम, थर्ड है प्लूटोनियम, फोर्थ है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारे पास ABCD, सी इसका क्या होगा, हमारे पास राइट आंसर होगा प्लूटोनियम। ये क्या है, हमारे पास आर्टिफिशियली ये यूज किया जाएगा। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, जिसको क्या है, आर्टिफिशियली ये हमें आर्टिफिशियल तरीके से हमें इसका निर्माण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस, क्या लोहेक्स से लोहे के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। लोहेक्स आयरन ओर क्या, हमारे पास आयरन ओर है Fe2O3, ये हमारे पास क्या है, आयरन ओर। अगर आपसे पूछ ले कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जहाँ पे आयरन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम क्या बोल लेते हैं, जहाँ आयरन की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस, इसमें आपका ऑप्शन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन और फ्रॉम आयरन और इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, इसमें
जो कौन सी प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया होगी इसमें? पहला ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? रिडक्शन बी इज द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अर्थ एटमॉस्फेयर इज एन एनवलप ऑफ गैसेस एक्सटेंडिंग टू ए हाइट ऑफ, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका गैसों का एक लिफाफा है जिनका विस्तार किस, ये ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई होगा, किस ऊंचाई तक है? ऑप्शन है हमारे पास 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। जो हमारे पास पृथ्वी है उस पे क्या है, जो वायुमंडल में है उसमें जो ऊंचाई का किस कितनी इसकी ऊंचाई होगी, इसका होगा आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा इसका 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है हमारे पास, जो हमारे पास परतें होती है अक्षो मंडल, समता मंडल, ये पांच परतें होती है जो इसके एटमॉस्फेयर पे, तो इसका जो आंसर होगा वो 200 किलोमीटर ही एक्सटेंड करेगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइड शोज, जो सिल्वर नाइट्राइड है वो अपनी अभिक्रिया में क्या दर्शाता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी। हमारे पास सिल्वर नाइट्राइड क्या होता है? AgNO3, AgNO3 होता है, Ag प्लस में NO3, ये हमारे पास बनेगा AgNO3। तो यहाँ इस पे क्या था, जीरो चार्ज था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से जीरो से प्लस वन हुआ है, जीरो से प्लस वन हुआ है, तो क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी। अगर ये हमारे पास घटता है प्लस वन से, अगर ये जीरो होता है तो हमारे पास क्या होगी? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये देखो मैंने आपने पीछे ही बताया था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पीछे जो करवाया था सेम। Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या बनाता है? Zn। हमारे पास Zn देखो, ये 2 पॉजिटिव चार्ज था, ये क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे ये क्या है, ये घट रहा है ना, यहाँ से घट रहा था, तो मैंने बताया था आपको कौन सा होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, नन ऑफ द दिस। तो ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, ये घट रहा है यहाँ पे चार्ज, तो क्या होगा हमारे पास? रिडक्शन होगा, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स कौन सा है? इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कौन सा है, पहला है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये तो होगा नहीं, दूसरा है फ्यूल कॉम्बिनेशन, तीसरा है ट्रांसपोरेशन प्रीवेन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोसेल, एरोसेल है वो क्या है हमारे पास, किस किस का मतलब एरोसेल क्या होता है? देखो आप, फॉग, डस्ट ऑफ द, ये सब हमारे पास एटमॉस्फेयर में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जो फोग और डस्ट होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द इसमें क्या होता है हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जो इसमें क्या हो, सस्पेंडिव, जो हवा में सॉलिड पार्टिकल हो ना, वो हमारे पास क्या होते हैं, फोग डस्ट इनका ये होता है। तो इसमें एरोसोल हमारे पास क्या होगा, जो सॉलिड पार्टी सस्पेंडेड ऑफ है सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर। तो ऑप्शन क्या हमारे पास, पहला ऑप्शन है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर, वायु में लिलंबित ठोस कण। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ये
होगा, पहला आंसर ही होगा इसका, ए इज द राइट आंसर, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिलोसोफर बुल है, फिलोसोफर बुल है, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, जो जिंक है, जिंक प्लस में ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड. जो फिलोसोफर बुल है वो हमारे पास क्या है, एक जिंक ऑक्साइड है. इसका सी क्या होगा हमारे पास, राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो किससे बना होता है, ये तो हम घरों में यूज करते हैं जो कपड़े वॉश करने के लिए, तो वो किससे बना होता है, किससे वो, देखो ये तो होएगा आपको पता, उसमें बेंजीन होगा. तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो कि सोडियम स्टीरेट, ये ऑप्शन तो आप पहले ही काट दोगे. फिर ऑप्शन आप नीचे देखोगे सोडियम परमिटेट, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी बचे दो ऑप्शन बी और सी, इसमें बेंजीन रिंग होगी, तो उसमें क्या, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और कौन सा बच गया, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन कार्बोजेलिक एसिड. तो इसमें से देखना आपको कौन सा होगा. तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो किससे बना होता है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इसका आंसर आपके पास क्या होगा, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ द टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज, क्या है, जो हम पानी पीते हैं उसमें अधिकतम कठोरता कितनी होती है, जो हार्डनेस होता है कितना, कितने होता है पानी, तो उसमें कितनी हार्डनेस होती है. तो ऑप्शन आपके पास 50, 100, 200, 500, कितना होगा इसका, जो हम पानी पीते हैं उसकी कठोरता कितनी होगी हमारे पास, 200, शी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलोयो, इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किसकी मिश्र धातु है. इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो घरों में हमारे पास जो कई बार बोलते हैं कि जैसे कि ओवरलोड ज्यादा हो जाता है, तब हमारे पास बोलते हैं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया. क्या होता है वो, एक्चुअली में हमारे पास एक तार वायर होती है, वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, वो मेल्ट होके वो टूट जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूज हो गया. तो इसका वो किसका एलॉय होता है, हमारे पास पहला ऑप्शन है टिन एंड लेड, दूसरा ऑप्शन है जिंक एंड लेड, थर्ड ऑप्शन है कॉपर एंड आयरन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन एंड टिन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, टिन एंड लेड, टिन एंड लेड. इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका अलॉय होता है, टिन एंड लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेनसीज, द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, जो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए जो हमारे पास केमिकल यूज किए जाएंगे, वो आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन केमिकल है वो आपको मैं भी बता देती हूँ, आप उन्हें याद रखोगे. एक है हमारे पास पोटासियम आयोडाइड, दूसरा हमारे पास AgI सिल्वर आयोडाइड, और एक हमारे पास ड्राई आइस. जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो रेन है उसके जो ये तीन है, तीन जो केमिकल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो इसमें पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्राइड, मैंने बताया आपको सिल्वर आयोडाइड, तो ये नहीं होगा. दूसरा है पोटासियम ब्रोमाइड, ये भी नहीं होगा, पोटासियम आयोडाइड बताया मैंने. थर्ड है सिल्वर आयोडाइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेट्रा इथाइल लेड है वो कहाँ पे मिलता है? ये देखो हमारे पास एक ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ये इसका आंसर है। हमारे पास इसका पहला ऑप्शन है ए कैटालाइज्ड इन बर्निंग फ्यूजन फ्यूल, एन एंटीऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, और फोर्थ ऑप्शन है एन एंटी नोक कंपाउंड। तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब बात आती है कि एन एंटी नोक कंपाउंड क्या होते हैं। हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसके जो इंजन होता है उसके इंजन को क्या करते हैं, उसके इंजन की नोकिंग को कम करते हैं, और इंजन की नोकिंग को कम करेंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास एन, इसमें हमारे पास जो यूज होगा TEL जो होगा वो होगा एन एंटी नोक कंपाउंड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिल्वरी पेंट्स द मेन कॉन्स्टिटेंट प्रेजेंट इज, जो सिल्वर का जो रंग होता है उसमें मुख्य उपस्थित घटक कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, जो ये इसमें देखो सबसे पहले ये सिल्वर पाउडर, इस पे टिक मत कर देना, ये इसका सही आंसर नहीं है। सिल्वर पाउडर क्या है, मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, लस्टर होते हैं, चमकदार होते हैं, और मेटल्स में ये क्या है हमारे पास, जो एल्यूमिनियम का जो पाउडर होता है ना, जो पाउडर के रूप में हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ही है जो हमारे पास क्या होगा, लस्टर जो चमकदार होगा, जो इसमें सिल्वर पेंट्स में यूज किया जाएगा। तो इसका जो मेटल्स में जब हम पाउडर के रूप में बात करते हैं वो एल्यूमिनियम ही एक ऐसा पाउडर होता है जो हमारे पास पेंट्स में यूज किया जाता है, उसमें इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास ए, एल्यूमिनियम पाउडर, सिल्वर पाउडर इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। ये आपको मैं अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही करवाया था, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताया था। एक तो मैंने बताया था मीथेन, एक बताया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, एक बताया था मैंने आपको N2O। ये आपको मैंने बताया था कि इसमें से कौन कौन सी, ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इसमें देखो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपके पास सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सबसे इजी क्वेश्चन, लाफिंग गैस इज, सबको पता है कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, लेकिन आप अपनी 2 सेकंड बचाने के चक्कर में यहाँ इस ऑप्शन पे टिक मत कराना। ये क्या है, ऑप्शन को अच्छे से आप रीड करोगे, ऑप्शन में दिया क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें 2 सेकंड बचाने के चक्कर में आप गलत ऑप्शन टिक कर जाओगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास लाफिंग गैस नहीं होती, हम सब जानते हैं लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये आप ध्यान रखोगे, ऑप्शन को अच्छे से रीड करके तभी आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर, क्या होता है वो हमारे पास, रिडक्शन होता है लाइट का रिडक्शन होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, ये तो होगा नहीं क्योंकि रिडक्शन होता है लाइट का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सोल्यूबल इन हाइपोसोल्यूशन, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास रिड्यूस्ड बाई लाइट, तो मैंने बताया है कि लाइट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसका सी इज द राइट आंसर, रिड्यूस्ड बाई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली ए मिक्सर ऑफ, जो वैक्स है यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली ए मिक्सर ऑफ, जो मोमबत्ती हम बनाते हैं जो मोम है वो किस किस का मिश्रण होता है,
हमारे पास होते हैं एल्केन्स, एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स में हमारे, एल्केन्स हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, वो अब आपको देखना कि कौन सा इसमें सही आंसर है। तो एलिफेटिक, इसका एलिफेटिक क्यों सही आंसर हो, क्योंकि एलिफेटिक में क्या होती है, हमारे पास सीधी चेन होती है कार्बन की, लॉन्ग चेन होगी कार्बन की जो स्ट्रेट होगी बिल्कुल। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या होगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है, द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वाज, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो सबको पता है, भोपाल गैस त्रासदी में जो कौन सी गैस वो हुई थी, तो उसमें पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका ऑप्शन क्या हमारे पास कौन सा होगा सही, दिस इज द राइट आंसर, मिथाइल जो आइसोसाइनाइड है वो हमारे पास भोपाल गैस त्रासदी में गैस थी। लेकिन वो एक ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी हमारे पास, वो हुई थी हमारे पास 2 दिसंबर के रात को हुई थी, 2 दिसंबर के रात को हुई थी, तो 2-3 दिसंबर इसका माना जाता है, क्योंकि वो रात को हुई थी तो 3 दिसंबर की सुबह हो गई और 2 दिसंबर की रात थी। हो गया सर,